ये भारत समाचार ने आपको बताया ही। विकास दुबे का एक पुराना वीडियो भारत समाचार के पास है जिसमें उसने दावा किया है कि बीजेपी के दो विधायक उसकी मदद करते हैं, ऐसा विकास दुबे जो भारत समाचार के पास वीडियो है उसमें कह रहा है। लेकिन जब भारत समाचार ने दोनों विधायकों से बात की, ये बीजेपी के विधायक है ध्यान दीजिएगा, जब भारत समाचार ने इनसे बात की तो इन दोनों विधायकों ने इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा मेरा विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई संपर्क है। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में वो बता रहा है कि इलाके के नेता उसकी मदद करते थे, वो विधायकों से फोन पर बात करता था, मुलाकात करता था। इस वीडियो में विकास दुबे ने विधायक अभिजीत सिंह सांगा, विधायक भगवती सागर का नाम लिया है कि ये लोग उसकी मदद करते थे और पुलिस में पैरवी करते थे। कौन कौन है हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी और प्रधान लोग भी हैं 3-4-5। वायरल वीडियो में विकास ने दोनों विधायकों का नाम लिया। इस पर दोनों विधायकों ने अपनी अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि विकास दुबे से उनका कोई संबंध नहीं और उन्होंने आज तक विकास की कोई मदद नहीं की। 2017 में एसटीएफ एक मामले में विकास से पूछताछ कर रही थी। अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि विकास ने शातिर तरीके से उनका नाम लिया है, तो भगवती सागर का कहना है कि विकास मेरा विरोधी था और मेरे खिलाफ लोगों को भड़काता था। वो शातिर अपराधी है, वो क्या बयान दे रहा है क्या नहीं बयान दे रहा है, लेकिन इस बयान देने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हुआ हूँ। मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है वीडियो देखने के बाद कि मैं इस अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके मानहानि का मुकदमा और इस तरीके की जो भी विधिक हमारे वकील हमको राय देंगे वो काम मैं करूँगा। वो फर्जी है, बिल्कुल टोटल फर्जी है, वो बड़ा अपराधी है। मैंने ना धरने में मैं कभी बैठा हूँ, ना कहने को उसको बचाने का प्रयास किया है। मैं तो उस टाइम भी चूंकि जो जो दल में आदमी होता है और जिला पंचायत सदस्य था तो दल में आदमी एक दूसरे से संपर्क में वो रहता है, होता है। क्या कारण है जो आप ही का नाम ले रहे हैं? अरे भाई ये तो वो जाने, उससे पूछो या वो जब मिले तो उसको पता चले ना। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के मामले में भी विकास का नाम आया था। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला ने बताया कि विकास को किसका संरक्षण मिला हुआ था इसकी जांच होनी चाहिए। मनोज शुक्ला ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की है। मनोज शुक्ला ने बताया कि भाई संतोष की हत्या के बाद पुलिस मौके से भाग गई थी। उन्होंने कहा कि ये विकास दुबे पुलिस का लगाया हुआ पौधा है। मैं 100% सहमत हूँ न्यूज चैनलों के साथ, पत्रकारों के साथ 100% सहमत हूँ कि सिवली थाना और चौबेपुर थाना ये दोनों उसके साथ पूरे हर काम में संलिप्त है। तो पुलिस तो लोकल थानों की हमेशा संदेह के घेरे में रही, अब पुलिस तो अपनी बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रही और माननीय योगी जी ने ऐसे तेज तर्राक अधिकारियों को इस कांड की डोर थमाई है कि मुझे इसका निर्णय चाहिए। विकास की गिरफ्तारी के लिए 40 से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं। सूत्रों की माने तो विकास दुबे उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो यूपी छोड़कर बाहर जा चुका है और वो फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। इतने बड़े अपराधी को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिले ये भी बड़ा सवाल है। अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। सवाल तो कई